नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री को चैन से नहीं सोने दे रही है। अखबार टेलीग्राफ की यह हेडलाइन है, उसके अंदर लिखा हुआ है टेलीग्राफ में कि ऐसा कुछ न कुछ हर दिन विदेशी मीडिया लिख रहा है जिसके कारण सरकार की नींद में खलल पैदा हो रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिससे यहाँ पर बोलना उचित तो नहीं है। अंग्रेजी में चल जाता है लेकिन उन शब्दों का अगर हिंदी रूपांतरण करें तो ये बेहद गंभीर। जैसे एक अखबार ने लिखा है शेमलेस यानी हिंदी में बेशर्म। उसको आगे अगर अखबार की रिपोर्टिंग को पढ़ते हैं तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। लबोलुआब ये है कि देश में ऊहापोह की स्थिति है और ऐसे में स्मारक बनना उसके बजाय 40 अस्पताल बन सकते हैं। ये बात रिपोर्टिंग में लिखी हुई है, विदेशी अखबारों में लिखी हुई है। अब बात पोस्टकार्ड की। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब सांसों पर यमराज की 2400 घंटे नजर है तो क्या इस वक्त खरबों अरबों रुपए के लाक्षागृह की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में जब आपदा कानून महामारी अधिनियम के तहत निर्माण बंद है तो सवाल उठता है कि लॉकडाउन के बावजूद इसे आवश्यक सेवा घोषित कर विशेष इजाजत कैसे दी गई। ये सवाल उठाया है पोस्टकार्ड में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। आइए देखते हैं पोस्टकार्ड। नमस्कार दोस्तों, मृत्यु के तांडव के बीच सत्ता का अहंकार इससे पहले कभी भी नहीं देखा। महामारी में हुक्मरान की मक्कारी की निशानी भी अब साफ दिख रही है। जब लोग सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जब अस्पतालों में दाखिल होने से पहले ही मरीज की सांसें अटक जा रही हैं, जब जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स भी आंसू बहा रहे हैं, जब मुल्क में 2 करोड़ से अधिक लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जब 2.25 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी से हाथ धो चुके हैं, जब बाप को बेटे की शक्ल देखने को मिलती नहीं, मां का चेहरा और मुखाग्नि बेटा नहीं दे पा रहा, जब शमशान और कब्रिस्तानों में अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी जगह नहीं बची है, जब सत्ता में बैठा अहंकारी बादशाह अपने दरबार या यूं कहिए कि लाक्षागृह के नव निर्माण को आवश्यक बता रहा है तो जागने की जरूरत है। हे देशवासियों, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और सवाल पूछिए कि जब सांसों पर यमराज की 2400 घंटे नजर है तो क्या इस वक्त खरबों अरबों रुपये के लाक्षागृह की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में जब आपदा कानून महामारी अधिनियम के तहत कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण बंद हो सकता है तो सवाल उठता है कि लॉकडाउन के बावजूद प्रधानमंत्री का निवास, प्रधानमंत्री का कार्यालय, देश की संसद और मंत्रियों के कार्यालय आवश्यक सेवा घोषित कर इनका निर्माण की इजाजत क्यों दी जा रही है। कोरोना काल चक्र में घूमती जिंदगियां, सिस्टम की बेसिर पैर की नीतियां, नाकाम और नाकारा फैसलों के बीच सांस की तकलीफों से गुजर रही हैं। ये वक्त महल बनाने का नहीं, लोगों के लिए अस्पताल बनाने का है। दरवाजे पर काल खड़ा है और दरवाजे के पीछे लोग सहमे डरे बैठे हैं, डर से खामोश हैं, क्योंकि अब सड़कों पर चीखती एम्बुलेंस के सायरन सांसों को थाम से देते हैं। दिल्ली के सुल्तान सुन लो, हमारा जमीर, भारत का जमीर अभी जिंदा है और तुम्हारे इस क्रूर अट्टहास के सामने खड़े होकर छाती तानकर विरोध करते रहेंगे। अफसोस है तो इस बात का है कि अहंकारी बादशाह के मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री ऐसा नहीं जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर कुछ बोल भी सके। साथियों,
समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जय हिंद।